नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ राकेश जुजुवाला पोर्टफोलियो फॉर 2022। लाया हूँ आपके लिए 219 रुपये पर शेयर में राकेश झुनवाला ने दोबारा से 35 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बाय करे हैं, वो भी एक बल्क डील के माध्यम से। और जो स्टॉक है वो अभी अंडर 300 रुपये ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 322 रुपये के आसपास की है और काफी अच्छा पैसा इसमें FII और DII की हमें देखने को मिलती है होल्डिंग। तो चाहो तो आप इस राकेश झुनझुनवाला जी का ऑलमोस्ट 221 रुपए वाला स्टॉक को नजरों में रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो। दिखाता हूँ आपको फुल स्टोरी और ये भी बात करेंगे कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न अभी क्या बोल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो वीडियोस को अंत तक देखना और लाइक पक्का करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियोस लाता रहूँ आप लोगों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब एल्गो, अगर जिनको नहीं पता है, अगर आप वीडियो लाइक करते हो तभी ये वीडियो आगे तक पहुंचेगा दूसरों तक, तो लाइक पक्का करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो बल्क डील्स हुई है राकेश झुनझुनवाला पिक स्टेक्स इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑन ट्यूजडे, ठीक है, रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से, और बॉट 35 लाख इक्विटी शेयर्स। तो फुल स्टोरी आपको दिखलाता हूँ, फुल आर्टिकल्स क्या है और जो इनकी जो बोल सकते हो जो मार्केट ट्रांजेक्शन है वो हुई है रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से, वो भी 219 रुपये पर शेयर में एट NSE। तो 219 रुपये की इनकी आप बाइंग प्राइस मान के चल सकती है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टॉक में बाई नहीं किया, इन्होंने पहले भी स्टॉक में बैट लगाया था और दोबारा इन्होंने बैट लगाया है। तो डेफिनेटली चाहो तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हो, नजरों में रख सकती हो। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक को कैसे करें, क्या करें। तो देखो ऑलमोस्ट 221 रुपये प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो उन्हीं के बाइंग कॉस्ट के आसपास बैठी हूँ। अब आता है क्वेश्चन कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक में या नहीं करनी चाहिए। तो देखो पहले हम देखते हैं इसके करंट फाइनेंशियल, उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। तो फाइनेंशियल कैसे कंपनी के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग देखो पहले कंपनी का बिजनेस देख लो आप क्या है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंस का काम है, इन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, राइट, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये, राइट। बाकी अगर बात करेंगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डीप स्टडी कर सकते हो, कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो जिनको पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं ऊपर तौर में आपको बता दूं इसके करंट फाइनेंशियल कैसे है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और एक टाइम तक स्टॉक का भाई 1,000 रुपये प्लस ट्रेड किया करता था, लेकिन आज बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। ROC पॉजिटिव देखने को मिलता है, प्लेज होल्डिंग 1 रुपये की नहीं है, बुक वैल्यू 322 रुपये के आसपास की है और लो देख सकते हो आप 154 रुपये का है। और कंपनी आपको लगातार डिविडेंड भी दे रही है 4% के आसपास का। बाकी अगर बात करते हैं कंपनी, देखो ये तो हो गया, नीचे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखो कंपनी का 108 करोड़ का सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट आया है, 108 करोड़ का प्रॉफिट दिया है सितंबर क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ठीक है, जो लास्ट क्वार्टर में 189 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मतलब कंपनी के प्रॉफिट देखो लगातार आ रहे हैं, ठीक है, देखो लगातार प्रॉफिट आ रहे हैं कंपनी के। बाकी अगर बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, तो देखो सेल्स कंपनी की 8,000 करोड़ की है, प्रॉफिट आपके सामने है। कंपनी के जो नंबर थे डिक्लाइन हुए, ठीक है, डिक्लाइन मतलब प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन जा रही है, की तरह डिक्रीज हो रही है। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो डेट कंपनी के ऊपर ठीक ठाक है, 61,000 करोड़ का। बाकी अब बात करें शेयरहोल्डिंग पैटर्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल मेनली प्रमोटर्स का 21% के आसपास स्टेक है, FII की होल्डिंग 27% हो चुकी है एंड DIS की होल्डिंग 12% हो चुकी है एंड पब्लिक की होल्डिंग 8% से 35% हो चुकी है। और पब्लिक के अंदर आपका राकेश झुनझुनवाला जी का नाम भी आता है। तो अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक में क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है बॉस, अगर आपके पास स्टॉक है, नहीं अगर आपका स्टॉक नहीं भी है या है भी और प्लानिंग कर रहे हो बाय करने की, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्या है, इसका चार्ट पैटर्न देखो। कंपनी का फाइनेंशियल मुझे नहीं बोल रहा है कि बाय करो, ठीक है, फाइनेंशियल मुझे नहीं बोल रहा है कि बाय करो, बायटेक तो बनता ही नहीं है इसका फाइनेंशियल के हिसाब से, लेकिन हाँ इसका चार्ट पैटर्न क्या हमें बोलता है उसके लेके चलता हूँ चार्ट पैटर्न की तरफ। क्योंकि देखो अगर राकेश जी ने पैसा डाला है तो देखो कुछ सोच समझ के डाला होगा, लेकिन भाई बहुत तरीके होते हैं कि वो अपना पैसा कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। तो देखो चार्ट पैटर्न हमें ये कह रहा है कि स्टॉक लगातार 1.5 साल से यस बैंक की तरह एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हाँ ये रेंज में मैं स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा पैसा नहीं डालूंगा,
अब मैं स्टॉप लॉस के साथ बाय करने वाला बंदा हूँ, तो अगर मैं स्टॉक को बाय भी करता हूँ, चलो मैंने मान के चलो बाय कर लिया स्टॉक को, तो मेरी जो बाइंग रहेगी स्टॉक में वो क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इफ आई एम गोइंग टू बाय दिस स्टॉक, तो मैं स्टॉक को यहीं बाय करके चल सकता हूँ, 200 रुपये मिलेगा डेफिनेटली एड ऑन करूंगा, 150 मिलेगा तो डेफिनेटली एड ऑन करूंगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एक जो निकल के आता है 128 रुपी का। तो मेरा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस स्टॉक में, चाहो तो आप 128 रुपी के स्टॉप लॉस के साथ 10-50 क्वांटिटी जो भी आपको बाय करके छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर जब तक ये स्टॉप इस स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है, ये प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है। ठीक है, लगातार एक चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, देखो, और अभी करंटली एक ये अपर चैनल में नहीं है, नीचे वाले चैनल पे है, मतलब यहाँ स्टॉक को बाय कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, दोबारा यहाँ बाय करा जा सकता है और यहाँ सेल कर सकते हैं 350 रुपये के आसपास। तो अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो 128 इज द बेस्ट स्टॉप लॉस, राइट। आप बात करते टारगेट की, तो देखो आप 220 में बाय करोगे, 128 का स्टॉप लॉस है, 100 रुपी का स्टॉप लॉस निकल के आता है। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहती है, मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैं उसका 1000 मतलब 10x का प्रॉफिट लेता हूँ। तो 10x कितना होता है, 100 रुपी का 1000। तो मेरी स्टॉक की जो लास्ट टारगेट रहेगा वह है 1200 रुपये के आसपास का। अगर आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को बाय कर रहे हो तो 1200 रुपये से पहले तो बेचना नहीं है, क्योंकि मुझे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए होता है वाइल्ड डूइंग इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप स्टॉक में अपनी कैपिटल विड्रॉ कर सकती हो जैसे ही आपको 100-200% का रिटर्न आए, ये आप काम कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपको बड़ा टारगेट की वेट करना है तो 1200 से प्लस मुझे ये लगता है जाएगा, 1200 लास्ट है। अब ये टारगेट मैंने कैसे निकाले, बहुत सिंपल है बॉस। देखो, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अपना रिस्क रिपोर्ट ध्यान रखना पड़ता है। मैं इन्वेस्टमेंट को एज अ ट्रेडिंग लेता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर 10 साल के मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं उसको ट्रेडिंग मांग के चल रहा हूँ, तो मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है इन्वेस्टमेंट का, वो 1:10 का होना चाहिए। अगर मैं 1 रुपये खोने के रेडी हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो 10 रुपये कमाने के लिए मेरे पास हिम्मत होनी चाहिए, बैठना पड़ेगा मुझे, और उस बैठने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कंपनी के करंट फाइनेंशियल के स्टेटस के अकॉर्डिंग, इतने अच्छे नहीं है तभी स्टॉक का भाई इतने नीचे ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे करके उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, स्टॉक का भाई ऊपर जाएगा, दैट्स वाई वी हैव स्टॉप लॉस ऑफ 128 रुपी। ये अगर नीचे गिरता है, इसकी क्लोजिंग क्लोज करता है, तो आई विल सेल, आई विल एग्जिट, मैं बिना सोचे समझे स्टॉक से एग्जिट कर लूंगा। अब मेरा लॉस कितना निकल के आता है, तो मान के चलो 220 में मैंने मोटा मोटी 10 क्वांटिटी बाय कर दी, तो मेरे पास आएगा कितने, मान के चलो 10,000 रुपये, मैंने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो मोटा मोटी 10 क्वांटिटी मैंने बाय कर, चलो है ना, 10 कर ली मैंने 2,000 रुपये के आसपास। तो मेरा जो लॉस होगा कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1000 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब लॉस है। अब ये 1000 रुपये खोने, जब मैं खो रहा हूँ तो मुझे कम से कम 10 के 1 चाहिए इसके ऊपर, 10,000, ठीक है। मैं कैपिटल को नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लॉस को देख रहा हूँ, लॉस कितना है 1000, क्योंकि मैंने 10 क्वांटिटी बाय करी, एंड व्हाट इज माई स्टॉप लॉस, 100 रुपी, देन रिवॉर्ड जो रहेगा इट कुड बी 10x, 10,000, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का भी एक पार्ट बोल सकते हो कि कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप इस पर 1 0 बढ़ा दोगे तो आपका जो लॉस हो जाएगा 10,000 का हो जाएगा, लेकिन जो रिवॉर्ड होगा वो 1 लाख का होगा, ठीक है, 100K का होगा, समझ आ गया। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी आप इस स्टॉक को बाय करते हो। तो मेरे हिसाब से ठीक स्टॉक है, लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज एक बार एप्लीकेबल कर लेना जो आपको बताया गया। बाकी इस स्टॉक में इतना ही, और एक बार देखते हैं कि एनएससी बीएससी में कैसा काम का स्टॉक का चल रहा है। तो पहले बीएससी का हम देख लेते हैं, तो बीएससी में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,29,000 शेयर्स लोग घर लेके गए, ठीक है, 1,29,000 शेयर्स, ऑलमोस्ट 5.5 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए थे। और अगर बात करते हैं एनएससी का, तो एनएससी का भी आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्निकल किच के यहाँ शो नहीं करेगा, तो उसको हम हटाई देते हैं, ना ना ये शो कर तो रहा, हेरा हेरा हेरा, मिल गया मिल गया मिल गया, हेरा 2,29,000, मतलब ऑलमोस्ट 29 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 29% की डिलीवरी उठाई गई 21 जनवरी 2022 को, ठीक है। तो इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।